चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं फिर डिग्री के ऊपर। अब डिग्री के ऊपर हम बात करते हैं। आज आप देख रहे हैं ना कि यहाँ पे तीन सेंटेंस लिखे हैं। पहला सेंटेंस क्या है कि मोहन जितना लंबा है उतना सोहन, है ना। और तीसरा है कि मोहन सोहन से लंबा है। और थर्ड है कि मोहन इस गाँव में सबसे लंबा लड़का है। अब देखते हैं कि पहले तो काम है किसको आइडेंटिटी करें, पहचान कैसे करेंगे, कौन पॉजिटिव डिग्री है, कौन कंपैरेटिव है, कौन सुपरलेटिव है। पहली चैलेंज ये है। तो जहाँ भी याद रखेंगे, जहाँ भी जितना और उतना, हिंदी में जितना उतना लगा हो वो समझ जाना कि क्या है, वो पॉजिटिव डिग्री है। क्या है? पॉजिटिव डिग्री है। और डायरेक्ट जब दो व्यक्ति या दो वस्तु में तुलना हो तो आप समझिए क्या है, वो कंपैरेटिव डिग्री है। और यहाँ पर देखिए, मोहन इस गाँव में सबसे लंबा लड़का है, यानी मोहन की तुलना क्या पूरे एक गाँव में हो रहा है ना, तो पूरे गांव में हो रहा है, तो समझो क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। या ऐसे भी कह सकते हैं सबसे, अगर सबसे भी हिंदी में लगा हो तो ये समझिए कि क्या हो, सुपरलेटिव डिग्री है ना। तो पहला तो हमारा होना चाहिए कि पहचानने का, अगर नहीं पहचान करते तो फिर बनाएंगे कैसे। अब यहाँ पे देखें कि इसको बनाएंगे कैसे। अब मान लीजिए मोहन जितना लंबा है उतना सोहन, ठीक है ना। अब जितना उतना पहले बताए, जितना उतना हो तो क्या लाएंगे, पॉजिटिव डिग्री है। तो बनाने का बहुत आसान तरीका है, जैसे मोहन नाम है तो यहाँ पर मोहन लिख लेंगे, ठीक है ना। अब मोहन के बाद इंग्लिश में जस्ट वर्ब ढूंढते हैं, तो वर्ब क्या है, हाय, तो हाय लिख लेंगे यहाँ पे, इज, है ना। जितना के इंग्लिश क्या लिखेंगे, एज। लंबा क्या लिखेंगे, टॉल। और उतना के इंग्लिश क्या लिखेंगे, एज। और सोहन है तो सोहन, यानी मोहन इज एज टॉल एज सोहन। ये आपका बन गया पॉजिटिव डिग्री, है ना। अब आते हैं नीचे, यहाँ पे कह रहा है कि भाई मोहन सोहन से लंबा है, मोहन सोहन से लंबा है, बिल्कुल ही सिंपली है। ये तो कंपैरेटिव डिग्री है, क्योंकि डायरेक्ट मोहन और सोहन में क्या हो, कंपेयर हो रहा है। तो फिर यहाँ पे हम सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो मोहन सब्जेक्ट है तो मोहन लिख लेंगे। फिर वर्ब ढूंढेंगे तो वर्ब क्या है, हाय, तो इज। अब क्या, लंबा, तो लंबा का इंग्लिश क्या होता है, टॉल होता है। और टॉल का कंपैरेटिव हम पहले बता चुके हैं फ्रेंड्स कि टॉल का कंपैरेटिव क्या होगा, टॉलर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, टॉलर। क्या लिख देंगे यहाँ पे, टॉलर। और इसमें कंपैरेटिव में अपने पास से दैन लगा देंगे, क्या लगा देंगे, दैन। और बच गए बेचारे सोहन महाराज, तो यहाँ पे सोहन लिख देंगे, है ना। तो आराम से बना लेंगे, यानी मोहन इज टॉलर दैन सोहन, है ना। अब स्टूडेंट्स आते हैं थर्ड सेंटेंस पे कि मोहन इस गांव में सबसे लंबा लड़का है। ये तो पहचान लेना कि हम पहले बोले कि सबसे होगा तो समझना कि सुपरलेटिव डिग्री है। या आप ये देखिए कि मोहन की तुलना पूरे कहाँ हो रहा है, पूरे गांव में हो रहा है, पूरे गांव में हो रहा है, तो डेफिनेटली क्या है, सुपरलेटिव डिग्री। बनाना बहुत आसान है, अगर सब्जेक्ट नहीं मिलता है, सब्जेक्ट मिलना आसान है कि मोहन ही इस गाँव में सबसे लंबा लड़का है, तो मोहन लिख देंगे आराम से। मोहन बाद जस्ट हम क्या ढूंढेंगे, भर, भर क्या है, इज, तो यहाँ पे इज लिख देंगे, ठीक है ना, इज लिख देंगे। अब कहेंगे लंबा, अब लंबा का सुपरलेटिव बताओ ना, लंबा का सुपरलेटिव क्या होता है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो डेफिनेटली, और आप जानते हैं ना, सुपरलेटिव डिग्री पहले द आर्टिकल लगाते हैं, द लगा देंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, टॉलेस्ट। क्या लगा देंगे, टॉलेस्ट। और इस गाँव में है तो इन दिस विलेज, इन दिस विलेज, इन दिस विलेज, बताइए इसमें है कोई प्रॉब्लम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आराम से इसको बना सकते हैं। और भी एग्जांपल लेते हैं, और भी देखते हैं फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लेते हैं कि नील विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो डेफिनेटली अब तो पहचान गए कौन डिग्री होगा जी, अगर डेफिनेटली पहले तो सबसे है तो क्या होगा, वो सुपरलेटिव डिग्री है। या नील का तुलना क्या, पूरा सबसे विश्व की, यानी विश्व में तुलना हो रहा है, तो डेफिनेटली क्या है, वो सुपरलेटिव डिग्री है। अब यहाँ पे आप मुझसे मोटे हैं, तो आप और मुझ में डायरेक्ट क्या होता है, कंपेयर हो रहा है, तो कौन डिग्री होगा, कंपैरेटिव्स। और वह इतना मूर्ख है जितना गधा है, यानी जितना उतना हम बताए थे, कौन डिग्री होगा, पॉजिटिव डिग्री। तो चलिए बनाते हैं नील, तो आराम से हम लिख दिए क्या, नील, है ना। फिर हम भर ढूंढते हैं तो इज, ठीक है ना, लंबा, तो यहाँ पर नदी, नदी या नाला लंबा हो तो टॉल नहीं लगाते, क्या लगाते, लॉन्ग। तो लॉन्ग का सुपरलेटिव क्या होगा, लॉन्गेस्ट। आ इसके पहले क्या लगा देंगे, द, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट। आ यहाँ पर नदी है तो क्या लगा देंगे, रिवर। आ विश्व में है तो इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, फुल स्टॉप। अब आते हैं यहाँ पे कि आप मुझसे मोटे हैं, नो प्रॉब्लम, आप हैं तो यू, यू के साथ का आर लगता है, मोटे का फैट, तो फैट का कंपैरेटिव क्या होगा, बोलो, फैटर। आ दैन, लेकिन याद रखिएगा दैन के बाद यहाँ पे मुझे के लिए मी नहीं लगाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट दोनों आमने सामने, इसका क्या, दोनों का कंपेयर हो रहा है, इसीलिए यहाँ मुझे मतलब आई, यानी यहाँ पे हम आई लगाएंगे, ठीक है ना। अब वह इतना मूर्ख है जितना गधा, तो सिंपल है, ही इज एज फुलिस एज एंड एज, यानी, है ना। तो आप जानते हैं कि इंग्लिश में भी कैसे पहचानोगे, जहाँ पे एज दोनों तरफ लगा हो, बीच में एडजेक्टिव सो एडवर्ब हो, तो समझा क्या है, पॉजिटिव डिग्री। आज इसमें ई आर लगा हो, किसी एडजेक्टिव एडवर्ब में ई आर लगा हो, उसके पहले मोड लगा हो, तो समझना क्या है, वो कंपैरेटिव डिग्री। और जिसमें ई एस टी लगा हो, या उसके पहले मोस्ट लगा हो, तो समझना क्या है, वो सुपरलेटिव, यानी जिस एडवर्ब या एडजेक्टिव में ई एस टी लगा हुआ है, उसके पहले मोस्ट लगा, तो ये समझ लिया कि क्या है, वो
सुपरलेटिव डिग्री। तो ये क्या होगा ना कि सबसे अहम बात है कि स्टूडेंट की हम मैक्सिमम सेंटेंस जब तक नहीं बनाएंगे, अधिक से अधिक वाक्य नहीं बनाएंगे, तब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं। अब जैसे हम ओरल कुछ बात करते हैं, आप कहेंगे थार भारत में सबसे बड़ा मरुस्थल है। चलिए बताइए कौन डिग्री है। सही बताया आपने कि सुपरलेटिव, थार इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन इंडिया, है ना। अब है कि मोहन सोहन से तेज है, तो मोहन सोहन में डायरेक्ट क्या हो रहा है, कंपेयर हो रहा है, तो मोहन इज मोर इंटेलिजेंट देन सोहन, है ना जी। अच्छा, सीता जितनी सुंदर है उतनी रीता, तो जितनी उतनी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव डिग्री हुआ, तो सीता इज एज ब्यूटीफुल एज रीता, सिंपली बात है। तो सबसे बड़ी चैलेंज है स्टूडेंट्स के लिए कि हम अधिक से अधिक इस पर बनाएं। पहले तो रिटेन करें, आप वीक है, आप बहुत कमज़ोर हैं, तो पहले रिटेन बनाएं। रिटेन जैसे आप बना लेते हैं ना, तब इसको ओरल बनाएं। ओरल बनाने से क्या फ़ायदा होगा, ओरल जब बनाना सीखोगे ना, तो डेफिनेटली अंग्रेजी बोलते कैसे हैं यार, अंग्रेजी बोलने का ही टेक्निक है। जब ओरल बनाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको इंग्लिश बोलने भी आ जाएंगे, है ना। ऐसे नहीं कि अलग से कोई टेक्निक सिखाया जाता है इंग्लिश बोलने के लिए, आपको जो सेंटेंस स्ट्रक्चर सीख जाते हो, तो अंग्रेजी बोलना सीख जाते हो। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप इसको मैक्सिमम बहुत सारे 20-25-30 इसमें पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव्स का एग्जाम्पल बनाओ, और एग्जाम्पल बनाने के बाद इसमें देखो कि और हम के मतलब कि ओरल कैसे बनाते हैं। अगर ओरल बना लेते हैं ना, तो डेफिनेटली आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। कुछ और एग्जांपल देते हैं। हल्का है उतना ज्ञान, तो पहला काम क्या, कौन डिग्री होगा ये, जहाँ जितना और उतना होगा पॉजिटिव डिग्री है, जितना उतना होगा तो पॉजिटिव डिग्री। तो पानी जितना हल्का है उतना ज्ञान, तो पहले सब्जेक्ट क्या है, पानी, तो क्या लगा देंगे, वाटर, और डायरेक्ट हम वर्ब क्या है, इज। हल्का की इंग्लिश क्या होता है बेटा, जितना के लिए, अब जितना के लिए यहाँ पे एज लगा देंगे, और हल्का की इंग्लिश क्या होता है, लाइट, क्या होता है, लाइट, लाइट मैंने प्रकाश, लाइट मैंने हल्का होता है। अब फिर उतना के लिए क्या लगा देंगे, एज, और ज्ञान का क्या होता है, नॉलेज, मन गया ना, कि वाटर इज एज लाइट एज नॉलेज। तो डेफिनेटली मैं पहले बता चुका हूँ कि स्टूडेंट आप इसको, अगर आप, हमने 3-4-5 एग्जाम्पल दिया, तो इससे नहीं कि आप इंटेलिजेंट बन जाएंगे, आप तेज बन जाएंगे। इसके लिए आपको 25-30-50 वक्त पहले बनाने होंगे। पहले कैसे बनाने होंगे, क्योंकि आप सीख रहे हो ना, तो पहले कॉपी कलम में आपको 50-40 वक्त बनाइए, ठीक है ना। जब बनाने आ जाए तब क्या करेंगे, उसको बोलिए ओरल कि हमको मौखिक रूप से बनाने आता है कि नहीं। अगर मौखिक रूप से बनाने आ गया, इसका मतलब कि आपको अंग्रेजी भी बोलने आ जाएगा। जैसे हम कहेंगे राम सबसे लंबा लड़का है, तो कौन डिग्री होगा, राम सबसे लंबा लड़का है, सुपरलेटिव, राम इज द टॉलेस्ट बॉय, है ना जी। वह इतना पतला है जितना तुम, कौन डिग्री होगा, पॉजिटिव डिग्री। तो ही इज एज थिन एज यू, हम कहेंगे कि था सहारा विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो कौन डिग्री होगा, सुपरलेटिव। सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, यानी मीनिंग क्या है कि जब ओरल बनाने आ जाएगा तो अंग्रेजी भी बोलने आ जाएंगे। और स्टूडेंट इसके बाद बताएंगे कैसे आप क्वेश्चन आंसर करोगे। जैसे कुछ एग्जांपल दें, कोई आपसे पूछता है व्हिच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, व्हिच इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, तो आप क्या कहोगे, सहारा इज द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, व्हिच इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, तो एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड। मतलब इसके बाद उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन स्टूडेंट पहले आपसे बिल्कुल रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, कि आप अगर चाहते हो कि इसको हम सही से सीखें, तो पहले 40-50 आप कॉपी में बनाएं। कॉपी में बनाने के पहले इसको बोले ओरल, ओरल जब बोलना सीख जाएंगे तो आप भूलेंगे भी नहीं, आपको इंग्लिश बोलने भी आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और आप जानते हैं कि बिना मेहनत करते हैं आप कुछ भी नहीं मिलता है, अगर भीख भी मांगते हैं तो मेहनत करना पड़ता है, दरवाजे दरवाजे घूमना पड़ता है। तो स्टूडेंट लाइफ तो और भी, स्टूडेंट लाइफ अच्छा इसीलिए है कि बैठे आपको भीख तो मांगना है, तो धूप धूप में जाकर मांगना है, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में क्या है, छाँव में बैठकर पंखा के नीचे बैठकर पढ़ना है, तो डेफिनेटली बहुत आसान चीज़ है। और आज मेहनत करोगे कल बहुत ही अच्छा करोगे, ठीक है ना। तो मैं ऐसा करता हूँ कि चार चीज़ को आप लोग सॉल्व करोगे, मेरी बातों को फॉलो करोगे, और मेरा कोटेशन भी है कि करो कुछ ऐसा काम कि दुनिया करे दिल से सलाम। डेफिनेटली जब अच्छा काम करोगे तो आपको भी सलाम करेंगे, और आपके मम्मी पापा दादा दादी को भी लोग सलाम करेंगे, ठीक है। आज इतने मिलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन, तब तक के लिए शुक्रिया।